Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the second episode of Weekend Friday Review. So basically, in every Friday, मैं आप लोगों को एक रिव्यू देती हूँ प्रोडक्ट का जो पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके बारे में बताती हूँ कि वो मुझे कैसा लगा या मेरी स्किन पे वो सूट हुआ या नहीं हुआ, वो सब मैं आपको बताती हूँ और उसको यूज़ करने का तरीका, दोनों चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो ये है, mCaffeine का नेकेड एंड रिच चोको फेस मास्क। ये ड्राई स्किन के लिए है, एज़ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो ड्राई स्किन के लिए ही रहते हैं। इनका एक प्रोडक्ट नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए भी आता है तो मेरी स्किन ड्राई है तो इसीलिए मैंने इसका mCaffeine का ड्राई स्किन वाला ही फेस मास्क मंगवाया था। इसका जो स्मेल है वो बहुत ही अल्टीमेट स्मेल है, ऐसा लगता है, देख सकते हैं आप, ये देखिए कलर देखिए, ऐसा लगता है कि आप डार्क चॉकलेट खा रहे होंगे। इस प्रोडक्ट का अब आपको बताती हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्या सोच के लिया था और इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला है और नहीं मिला है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो प्रोडक्ट मैंने यही सोच के लिया था क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए ही फेस मास्क है तो मुझे लगा था कि शायद मेरी स्किन के लिए ये सूट करेगा, बट ये मेरी स्किन को सूट करा लेकिन जो होता है ना, ड्राइनेस जो होता है स्किन पे वो रह जा रहा था। ये मैंने नहीं सोचा था कि इसके साथ होगा क्योंकि ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ही है तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरे फेस पे मॉइस्चर रखे, मॉइस्चर मेरा जो फेस का है उसको भी कंट्रोल करके रखे, बट ऐसा नहीं हुआ। बट द स्मेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ गुड। ये चीज़ मुझे ये भी लगा कि ये इसके लिए 595 रुपीज़ स्पेंड करना इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि अगर ये मेरी स्किन को सूट करता तो मुझे लगता कि चलो अच्छा है मेरी स्किन को सूट कर रहा है, बट आप देख सकते हैं कि मेरे हल्के हल्के से रैशेज़ हो गए हैं, तो ये रैशेज़ हो गए हैं इसको यूज़ करने के बाद ही, जो मेरे जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ होते हैं जो मेरी स्किन को सूट नहीं करते क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई प्लस सेंसिटिव दोनों है तो मुझे जो प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के ही करती हूँ। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि मे बी मेरी स्किन सेंसिटिव है प्लस ड्राई है तो इसीलिए मेरे स्किन पर रैशेज़ आ गए हैं। मे बी आपकी सिर्फ ड्राई स्किन रहे तो आपकी स्किन पर ना आए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने यूज़ किया है अगर तो आपकी स्किन पर ये कैसा वर्क करा। सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू एंड नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कि मैंने इसको यूज़ कैसे करा। क्योंकि मेरा स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो मुझे लग नहीं रहा था, जनरली मैं जो नॉर्मल अपने कोई भी फेस पैक यूज़ करती हूँ या घर का उपटन यूज़ करती हूँ उसके साथ करती हूँ, उसमें ऑयल मिला लेती हूँ या तो कोकोनट ऑयल मिला लेती हूँ या फेशियल ऑयल मिला लेती हूँ, तो वही मैंने इसमें भी किया था कि मैंने इस फेस पैक के साथ थोड़ा सा ऑयल मिला लिया था अपना एसेंशियल ऑयल और फिर उसके बाद ही मैंने इसको अप्लाई करा और सूखने के बाद इसको मैंने गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर लिया था। तो इसी तरीके से मैंने इसको यूज़ करा है। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा रिव्यू जो है प्रोडक्ट का वो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि अगर आपने ये यूज़ प्रोडक्ट किया है तो आपकी स्किन के साथ ये कैसा गया, मतलब आपको सूट हुआ या नहीं हुआ, ये भी ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीकेंड फ्राइडे रिव्यू। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो सब्सक्रिप्शन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।